गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, कल हमने एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था एंड आई होप कि आप सबको समझ में भी आ गया होगा। आज हम उसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट मैं पहले नोट करने जा रहा हूँ। Show that any positive integer is of the form 6q+1, 6q+3 and 6q+5. All positive integers. सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। शो दैट एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 and 6q+5. Odd integers, you know very well, the numbers which cannot be divided by 2. Means these are 1, 3, 5, 7, 9 and so on. Or you can say the number which ends with 1, 3, 5, 7 or 9. Okay? हमें प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर या तो 6q+1 की फॉर्म में होता है या 6q+3 और या फिर 6q+5। लेट्स टेक यूक्लिड लेमा। कल मैंने आपको बताया था यूक्लिड लेमा क्या होता है। यूक्लिड लेमा को हमने लिखा था a = bq + r। यहां पर a था डिविडेंड, b था डिवाइजर, q था क्वेशेंट और r था रिमाइंडर। हमारे आंसर को अगर हम इससे मैच करते हैं 6q+1, इसका मतलब यहां पर जो 6 है वो डिवाइजर है। अकॉर्डिंग टू आर क्वेश्चन डिवाइजर इज 6। एंड वन रूल मैं आपको बता दूं कि जो जब भी हम डिवीजन करते हैं तो जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। आप कभी भी किसी भी डिवीजन को उठा के देख लीजिएगा कि रिमाइंडर जब भी होगा वो डिवाइजर से छोटा होगा। इसका मतलब अगर डिवाइजर हमारा 6 है तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं? सिक्स से छोटे सभी, 0 भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4 और 5। ध्यान से समझिए बच्चों, फिर से, जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। अगर यहां हमारा डिवाइजर 6 है तो रिमाइंडर्स क्या क्या हो सकते हैं? या 0, या 1, या 2, या 3, या 4, या 5। गॉट इट? अगर रिमाइंडर हमारे ये हैं, डिवाइजर हमारा 6 है तो पॉसिबल रिजल्ट्स क्या होंगे? a = b की वैल्यू तो 6 है ही हमारे पास। 6q+0 means 6q हो सकता है हमारा पहला रिजल्ट, या हमारा सेकंड रिजल्ट हो सकता है 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4 एंड 6q+5। ये हमारे पॉसिबल रिजल्ट्स हैं। अगर हमारे पास डिवाइजर 6 हो तो ये हमारे पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे डिवीजन के। Got it? अब हमें बताना है कि इनमें से जो ऑड होंगे, ओड, वो कौन कौन से होंगे इनमें से। देखिए, पहले उठाइए 6q, 6 एक इवन नंबर है और इवन नंबर को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमेशा इवन ही होता है। 6 एक इवन नंबर है और इवन नंबर को यदि हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमेशा इवन होगा। इसका मतलब जो ये 6q है वो क्या है? इवन। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि इवन नंबर में यदि हम इवन को ही प्लस करते हैं तो रिजल्ट इवन होगा। इवन प्लस इवन हमेशा इवन ही रहेगा, लेकिन इवन में अगर हम ओड को प्लस करें तो वो ओड होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
हमारे रिजल्ट्स में 6q में पहले क्या प्लस किया गया है, जीरो, वो इवन है, तो ये हमारा क्या होगा, इवन। अब 6q में क्या प्लस किया गया है, वन, वन क्या है, ओड, तो ये हमारा क्या रिजल्ट आएगा, ओड। नेक्स्ट 6q प्लस टू, 6q इवन है, इवन में इवन प्लस हुआ तो क्या आया, इवन। नेक्स्ट 6q प्लस थ्री, थ्री ऑड है, तो ये हमारा रिजल्ट क्या होगा, ऑड। ऐसे ही ये इवन और ये ऑड। तो हमारा क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो चुका है कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं उसमें से जो ऑड पॉजिटिव है वो क्या क्या है, 6q प्लस वन, 6q प्लस थ्री एंड 6q प्लस फाइव, हेंस प्रूव। आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, अगर नहीं आया तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। मैं फिर आपको रिपीट कर दे रहा हूं, हमें प्रूव करना है, शो दैट एनी ओल्ड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस वन, 6q प्लस थ्री एंड 6q प्लस फाइव। जब हम इसको यूक्लिड लेमा से कंपेयर करते हैं तो हमें नजर आता है कि यहां पर b की वैल्यू 6 गिवन है, इसका मतलब डिवाइजर क्या है, 6। रिमाइंडर जो होते हैं वो डिवाइजर से हमेशा छोटे होते हैं, तो हमारे पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और हमारे पॉसिबल रिजल्ट क्या होंगे, 6q प्लस 0, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5। अब इनमें से ऑड कौन है, इवन कौन है, इसका रूल मैंने आपको बता दिया है कि 6 एक इवन नंबर है, इवन नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या होता है, इवन। तो 6q क्या है हमारा, इवन। इवन में इवन प्लस करो तो इवन आंसर आता है, इवन में ऑड प्लस करो तो ओड आता है। अब यहां पर हमने जहां जहां इवन नंबर प्लस की तो वो इवन रिजल्ट्स हैं, जहां जहां ऑड प्लस किया वो ऑड रिजल्ट्स हैं। दिस इज आवर क्वेश्चन।